मैं एहसान उल हक मलिक, सम्मान न्यूज से। हमारे साथ है हमारे कैमरामैन शिवनारायण कुशवाहा। सूचना का अधिकार कार्यकर्ता वेलफेयर एसोसिएशन का आज 8वें दिन भी धरना जारी है और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस सरकार ने भ्रष्टाचार समाप्त करने का वादा किया था, वही सरकार आज भ्रष्टाचार के खिलाफ सुनना भी नहीं पसंद कर रही है। 8 दिन ये धरना चल रहा है लेकिन अभी तक कोई ना तो कार्रवाई हुई है और ना कोई अधिकारी जिला प्रशासन का भी इनसे पूछने नहीं आया है। बड़ी ये विडंबना है। हम हरपाल सिंह जो इसके सचिव हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि अब तक आप क्या क्या कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारी को ज्ञापन भेजे और कितने भेजे। माननीय, हम लोग जो है माननीय अशोक कुमार गोयल जी जो अध्यक्ष एसोसिएशन के 12/10/2020 से निरंतर धरना चले आ रहे हैं। हमने माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय वित्त मंत्री, आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री, नगर विकास मंत्री, चीफ सेक्रेटरी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, माध्यमिक शिक्षा मंत्री सभी को ज्ञापन दिए और आज 8वां दिन हो गया है हमको धरना देते हुए। किसी भी तरह का कोई भी अधिकारी ना कोई बात करने है, ना हमको बताया कि धरना हमको ख़त्म करना है, चलना है, क्या करना है। हमने यहाँ कोई भी अधिकारी आज तक धरना स्थल पर नहीं आया और हम जो है कल जो है फिर हमने बाध्य होकर के भारत संघ के माननीय राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, सामाजिक न्याय मंत्री को और DOPT भारत सरकार को हमने कल से फिर ज्ञापन देना शुरू किया है। आज भी हम उनको ज्ञापन भेज रहे हैं। हमें उम्मीद है कि भारत सरकार इस बात में पहल करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार रोकने में विफल रही है और भ्रष्टाचार इसलिए बढ़ रहा है कि हमारी 8 दिन का जो धरना है उस पर आज तक भी कोई ध्यान नहीं दिया। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। वहाँ का आज तक भी 15 साल हो गए हैं, आज तक कोई वहाँ के लेखा परीक्षण आज तक नहीं हुआ है। हमारा निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और जो भारत सरकार के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, यहाँ का विशेष ऑडिट कराया जाए। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से एक टीम गठित की जाए। यहाँ जो है एक्ट में प्रावधान है धारा 25 के तहत कि हर साल के अंत में विधान परिषद, विधान सभा के पटल पर रिपोर्ट रखी जाएगी। क्योंकि वहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है इसलिए वह रिपोर्ट भी वहाँ आज तक नहीं रखी जा रही है। ये हमने RTI में जब मांगा था तो उसने प्रशासनिक सुधार ने बताया कि हमने 2 रिपोर्ट अब तक रख दी। 15 साल में 2 रिपोर्ट रखना कोई मतलब नहीं जबकि हर साल रिपोर्ट रखी जानी है। विधान परिषद, विधानसभा के जनसूचना अधिकारी ने बताया कि आज तक जो है कोई भी रिपोर्ट नहीं रखी गई। तो ये बड़ी विडंबना है कि कोई भी एक्ट का पालन, कानून का पालन नहीं हो रहा है। ये सब लोग देशद्रोही हैं। जितने भी सूचना आयुक्त बैठे हुए हैं वो पीक एंड चूज के आधार पर बैठाए हुए हैं। उनको कोई भी किसी तरह का कोई ज्ञान नहीं है। सभी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए क्योंकि ये कानून भारत सरकार का है। आपको सूचना आयुक्त कार्यालय में बंधक बनाया गया, कब बनाया गया और क्यों बनाया गया, आप अपना नाम बताइए। ये हमारा नाम आनंद प्रसाद है। मुझे राज्य सूचना आयोग में हमारे 16/10/17 को नियत तारीख थी। मैं सुनवाई के दौरान कक्ष संख्या 3 में गया था। उस समय राज्य सूचना आयुक्त अरविंद सिंह विष्ट थे, उन्हीं के समक्ष हमारी सुनवाई थी। पुकार हुई, जब मैं अरविंद सिंह सामने विष्ट के प्रवेश मतलब प्रस्तुत हुआ तो अरविंद सिंह विष्ट आग बगुला हो गए। बोले कि हमारे खिलाफ़ तुम लिखा पढ़ी करोगे, मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। और इतना कह के तुरंत उन्होंने वहाँ के जो सिपाही थे हमें अरेस्ट करवा दिया और बोले इसको जेल भेज दो। हमें वहाँ 2 से 2.5 घंटे तक बंधक बनाए हुए बैठाए रहे। फिर 2-2.5 घंटे बाद हमें छोड़ दिया गया कि तुमको जो है अरविंद सिंह बिष्ट ने कमरे में बुलाया है। वहाँ हमें अंदर बंद कर लिया गया और हमसे वहाँ मारपीट के जबरदस्ती 7 पन्नों का स्टम्प पेपर पहले से तैयार था
तैयार था, तीन दिन हो गए, तो उन्होंने वहाँ पे स्टम्प पेपर में हमसे साइन वाइन भी करवा लिए, सादे कागजों में साइन करवा लिए। उसके बाद जो है फिर हमारी 3/1/2018 को सुनवाई थी। जब मैं उस दिन सुनवाई में गया तो हमें बताया गया कि आप जो है बाहर बैठिए, आपकी सुनवाई जो है सबसे बाद लास्ट में की जाएगी। सारी सुनवाई हो जाने के बाद अरविंद सिंह बिष्ट ने अपने सुनवाई कक्ष में बुलाया। जैसे ही मैं अंदर गया मुझे वहाँ पकड़ लिया गया। ये घटना 3/1/2018 की है। वहाँ हमें विभाग के कुछ दो सिपाही थे और वहाँ 10-12 लोग और थे, उन्होंने हमें वहाँ पकड़ लिया, लात घूसों से मारा और मुझे वहाँ से एक स्टम्प पेपर वो पहले से तैयार किए हुए रखे हुए थे, उन्होंने जबराना उस पर हमसे हस्ताक्षर करवा लिए गए और हमें फिर छोड़ दिया गया। हमने फिर FIR दर्ज कराई उसी दिन। मैंने वहाँ के थाना विभूति खंड में अपना पत्र दिया कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई, और SSP को हमने पत्र उसी तारीख को लिख के दिया कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई। हमारी कोई FIR दर्ज नहीं की गई। मैंने जनसुनवाई पोर्टल पर भी इस मामले को डाला कि हमारे साथ ये घटना हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई उस पर भी। फिर हमने हमने जो है ₹156.3 में मामला दर्ज कराया कि हमारी जो है हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई, हमारी कहीं FIR दर्ज नहीं की गई है। और तो हमारे जो है मामला आज भी न्यायालय में विचाराधीन है। ये आप देख रहे हैं सूचना आयुक्त कार्यालय जो है वो सारे नियम कानून से परे हट करके अपनी कानून वहाँ चलाता है, लोगों को बंधक बनाया जाता है, सादे कागज और स्टैम्प पर दस्तखत कराए जाते हैं, और इसकी तमाम शिकायत होने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं बार बार मुख्यमंत्री से अपील कर रहा हूं कि इस मामले को त्वरित निपटारने के लिए या तो कोई SIT का गठन कर दे या कोई अन्य तरीका अपना करके इन सारे मामले को अविलंब दिखवाने का कष्ट करें। जय भारत।